आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं छठा चैप्टर, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। क्या नाम है? दहन और ज्वाला। आप देखते हो रोजाना ईंधनों का दहन हम करते हैं, जैसे खाना पकाते हैं रसोई घर में, तो खाना पकाने के लिए एलपीजी का दहन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी का दहन करते हैं, उपलों का दहन करते हैं। कागज को हम जलाते हैं, कागज जल जाता है। पेट्रोलियम का दहन हमारे जो वाहन होते हैं उनके अंदर होता रहता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे दहन है क्या। दहन एक वह प्रक्रिया है, ये वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O2। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ O2 से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। यानी कि यह बात ध्यान रखनी है, किसी भी चीज के दहन में, किसी भी पदार्थ के दहन में एक महत्वपूर्ण घटक होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस से उसका दहन होता है, ऑक्सीजन गैस नहीं तो दहन भी नहीं। ठीक है, जैसे एक मोम, आप इसको इस तरह से भी आप एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हो। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। एक आप मोमबत्ती ले लो, ठीक है, ये मोमबत्ती ले लिया। इसको हमने जला दिया, इसमें से ज्वाला निकली, जलती रहेगी मोमबत्ती। इस मोमबत्ती को हमने किसी, जैसे टेबल वगैरह हो सकती है, फर्श हो सकता है, वहां पर रख दिया, किसी सतह पर रख दिया, या सतह पर रख दिया। अब इसके ऊपर हमने एक गिलास, कांच का गिलास रख दिया। क्या ढक दिया? कांच का गिलास। आप क्या देखोगे? कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। थोड़ी देर तो जलेगी, लेकिन थोड़े समय बाद वो बुझ जाएगी। कारण क्या है उसका? कि मोमबत्ती को जलने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। तो जब तक कांच के गिलास के अंदर ऑक्सीजन है, तब तक ये जलती रहेगी। और जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, और बिना ऑक्सीजन के जलना संभव है नहीं, तो ये बुझ जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि दहन के लिए O2 आवश्यक है। दहन के लिए O2 आवश्यक है, बिना दहन, बिना O2 के दहन संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जिस चीज का, जिस पदार्थ का दहन होता है, यहां पर हमने बताया कि वह पदार्थ, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसको हम दहन कहते हैं। अब यह पदार्थ क्या कहलाता है? यानी कि वह पदार्थ जिसका दहन होता है, वह पदार्थ जिसका दहन होता है दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ, या एक अलग नाम से भी हम इनको जानते हैं, जो बोलते हैं जनरली, अपन इसको काम में लेते हैं, ईंधन। दाह्य पदार्थ या ईंधन, तो वह पदार्थ जिसका दहन होता है दाह्य पदार्थ या ईंधन कहलाता है। अब ईंधन में सब कुछ आता है जो जलता है, लकड़ी,
कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, ये सब के सब ईंधन या था ये पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दहन क्या है। दहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। जिस पदार्थ का हम दहन करते हैं उसको कहते हैं ईंधन या दाह्य पदार्थ। ठीक, अब अगला टॉपिक आता है हमारा, ज्वलन ताप क्या होता है। इसको भी हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं, ज्वलन ताप। जलनता देखिए बच्चों, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो क्या ऐसे ही हो गया माचिस की तीली जलाई उसमें लगाई और वो आग पकड़ ले? ऐसा नहीं होता। लकड़ी को जलने के लिए, आग पकड़ने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। सूखे कागज को जब हम जलाते हैं तो आग पकड़ लेता है। पेट्रोल या एलपीजी को जब जलाते हैं तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? ये डिफरेंस होता है किसके कारण? ज्वलन ताप अभी के कोई कारण। सूचना नहीं है सरकारी तो भाई बता दो हर क्या पदार्थ का, हर ईंधन का अपना ज्वलन ताप होता है। जब उसका ताप ज्वलन ताप तक पहुंचता है तभी वो आग पकड़ता है। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, जलने लग जाता है, उस ताप को कहा जाता है ज्वलन ताप। अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग ईंधनों का अलग अलग ज्वलन ताप होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसकी परिभाषा हो गई, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन या पदार्थ भी कह सकते हो आप, पदार्थ तो सभी है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन या पदार्थ आग पकड़ लेता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, इसको देखो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बुक में समझाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, दो कागज के कप बनाते हैं, इस तरह से कप बनाते हैं कागज। ठीक है, एक में हमने भर दिया पानी, क्या भर दिया? पानी, और दूसरे को रखा है खाली। दोनों को मोमबत्ती पर गर्म किया, मोमबत्ती है, ये हम गर्म कर रहे हैं इसको, ये ज्वाला निकल रही है इसकी। इसी तरह से दूसरी मोमबत्ती है, इससे दूसरे वाले कप को गर्म कर रहे हैं। ये इसकी ज्वाला है, आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे जब दोनों कप, ये कप हैं, एक में पानी भरा हुआ है एक खाली है, किसके कप हैं? कागज के बनाए हुए हैं, जो हमने कागज बनाए स्टेपल करके।
आप ये देखोगे कि जिसके अंदर आपने पानी भरा है वो तो जलता नहीं है, और जिसको आपने खाली रखा है वो कब तुरंत आग पकड़ लेता है। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों कागज के बने हुए हैं, एक जैसे कप है, अंतर इतना है कि इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी नहीं है। इसका रीजन ये है कि इस कप को जो आप उष्मा दे रहे हो, हीट दे रहे हो, उस हीट को कौन ग्रहण कर रहा है? कप से वो किस में जा रही है? जल में। तो जल इसको ग्रहण कर रहा है, इसलिए कागज का जो ज्वलन ताप है वहां तक वो ऊष्मा नहीं पहुंच पाती, यानी कि मोमबत्ती से जो ताप मिल रहा है वो ज्वलन ताप से कम मिलेगा। इस तरह से आप कागज के कप में भी पानी को गर्म कर सकते हो, प्लास्टिक की बोतल में भी पानी को गर्म कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो हीट आप दोगे उसको कौन ग्रहण कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, जल ग्रहण कर लेता है। तो उसको ज्वलन ताप कम रहेगा, ज्वलन ताप कम रहेगा तो आग नहीं पकड़ेगा। खाली कप आग पकड़ लेता है तुरंत, उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं, तो जैसे इसका ताप ज्वलन ताप तक पहुंचा इसने आग पकड़ ली। ठीक है, तो ये ज्वलन ताप होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन या पदार्थ आग पकड़ लेता है, ऐसे ताप को कहा जाता है ज्वलन ताप। ठीक है, अगला टॉपिक चलते हैं, माचिस। माचिस कैसे बनाई जाती है ये हम देखेंगे। माचिस का उपयोग हम रोजाना करते हैं, तो माचिस को बनाने के लिए कौन कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है वो आज हम देखने जा रहे हैं। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है, पांच हजार से अधिक वर्ष पूर्व मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता था माचिस के लिए, यानी कि चीड़ की जो लकड़ी आती है उसको गंधक में डुबो देते थे, फिर उसको रगड़ करके आग उत्पन्न की जाती थी 5000 साल पहले। वर्तमान जो माचिस है इसका इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस। इन तीनों केमिकल्स को मिलाकर के लकड़ी के सिरे पर लगाया जाता है जिससे माचिस की तीली तैयार होती है। जब इस माचिस की तीली को किसी खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो जो श्वेत फास्फोरस होता है ये आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ने के बाद में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलने लग जाता है, इस तरह से आग उत्पन्न होती है। लेकिन यह देखा गया श्वेत फास्फोरस माचिस की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों और जो उपयोग करते हैं माचिस का यानी कि आम उपभोक्ता, दोनों के लिए खतरनाक होता था। इसलिए आजकल क्या किया जाता है, माचिस की तीली में दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, और साथ में जो डिब्बी होती है, डिब्बी के साइड में खुरदरी सतह होती है उसमें लाल फास्फोरस और कांच के चूरे का उपयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस और कांच का चूर्ण, इनको मिलाकर के खुरदरी सतह बनाई जाती है। जब हम माचिस की तीली को उस पर रगड़ते हैं तो थोड़ा सा लाल फास्फोरस किसमें बदल जाता है? श्वेत फास्फोरस में, और वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा के कारण एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलने लग जाता है, तो ये थोड़ा कम खतरनाक होता है। ठीक है, इस तरह से माचिस की तीली बनाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, इन जो टॉपिक आज करवाए ज्वलन ताप, ईंधन, दाह्य पदार्थ और माचिस, इनको आपको देखना है। कुछ क्रियाकलाप भी मैंने समझाया आपको, दो क्रियाकलाप, इनको ध्यान से बुक में से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।